तो चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था। मतलब कोई भी एक्ट अगर निकलता है तो उसके पीछे उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग चाहते क्या है एक्ट निकालने के पहले। तो इसका ऑब्जेक्टिव था बेटर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर, कि हम लोग जितने भी कंज्यूमर होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। इसका एस्टैब्लिशमेंट काउंसिल क्या है? एस्टैब्लिशमेंट काउंसिल इसका दो है, एक कंज्यूमर के लिए काउंसिल बना है और कुछ अदर अथॉरिटीज भी है कंज्यूमर्स के लिए। तो इसमें बेसिकली हम लोग इन काउंसिल्स में या ये अथॉरिटीज करता क्या है, ये कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करता है। मतलब अगर किसी कंपनी और कंज्यूमर के बीच में किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो रहा है, कोई भी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको ये काउंसिल्स सॉर्ट आउट करता है, सेटलमेंट करता है। पर इसका हम लोगों को नोट में हम ये क्यों लिखे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, सेक्शन 3। इसका यहाँ पे मतलब ये है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो नया निकला है ये जस्ट कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए है, किसी लॉ के अगेंस्ट जाने के लिए नहीं। मतलब अगर हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन का बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेलर का कोई राइट हम लोग छीन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सेक्शन 3 में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है। सबसे पहले जानना जरूरी है कंज्यूमर का बेसिक राइट्स क्या क्या है। कंज्यूमर का टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ हजार्डस गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब अगर किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का, जैसे आज हम लोग एड में देखते हैं, कभी भी सिगरेट का या कोई भी तरीके का अल्कोहल का एड आना मतलब नहीं नहीं आ सकता टीवी पे। जैसे अभी जो शार्क टैंक आया था, इसमें ये लोग ब्लैक डॉग का एड कर रहा था। ब्लैक डॉग एक अल्कोहलिक प्रोडक्ट है, तो बेसिकली पर ये लोग इसे क्या बोल रहा था, ब्लैक डॉग सोडा। ब्लैक डॉग का सोडा भी है, ब्लैक डॉग का अल्कोहल भी है। वो लोग अल्कोहल को ही प्रमोट करना चाहता है, पर डायरेक्टली ब्लैक डॉग अल्कोहल बोलकर लॉन्च नहीं कर सकता, वो लोग सोडा बोलकर करते हैं। तो जो ब्लैक डॉग का अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उन्हें पता है कि ब्लैक डॉग का अल्कोहल ही मिलता है, और तो बेसिकली डायरेक्टली एकदम से अल्कोहल या सिगरेट्स का, जैसे हम लोग पान मसाला का भी एड देखते हैं, तो वो लोग उसे पान मसाला मतलब अच्छा माउथ फ्रेशनर बोलकर वो लोग उसका एड करता है, डायरेक्टली उसका एड नहीं कर सकता। क्या क्यों, ये क्यों मना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से? किसी भी हजार्डस गुड्स का मार्केटिंग नहीं हो सकता। टू बी इंफॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी क्वांटिटी प्योरिटी स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। किसी भी चीज के कोई भी हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं तो उसके पीछे उसका क्वांटिटी प्योरिटी स्टैंडर्ड सब लिख के देना पड़ता है, ये पीछे डिस्क्लोज करना पड़ता है। क्यों? कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो। तो ये कहाँ, ये सब कंज्यूमर का राइट है। मतलब एक कंज्यूमर पूछ सकता है कि इसमें कितना, क्या इसमें कितना इसमें ये वाला एसेंस मिलाया गया है, कितना इसमें कार्बोहाइड्रेट है, कितना इसमें फैट है, ये क्वेश्चन एक कंज्यूमर पूछ सकता है। थर्ड है एक्सेस टू वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव मार्केट। हम इस सेलर से भी पूछ कर जा सकते हैं कि आपका ये चीज कितने का है। हम दूसरे शॉप में भी घुस कर पूछ सकते हैं ये सामान कितने का है। मतलब कॉम्पिटिटिव प्राइस मार्केट है। कोई सामान 50 रुपए में मिल रहा है तो वही सामान सेम 60 रुपीज में मिल रहा है, तो हम किसी भी चीज का एक्सेस कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स का एक्सेस कर सकते हैं। कोई ये नहीं बोल सकता कि आपने मुझसे पूछ लिया है प्राइस, अब आपको खरीदना होगा, ऐसा वो बिहेव नहीं कर सकता। टू बी हर्ड एट अप्रोप्रिएट फोरम। अगर कंज्यूमर को कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक अप्रोप्रिएट फोरम है, अप्रोप्रिएट प्लेस है जहां पर कंज्यूमर को सुना जाता है। टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल मतलब उस किसी ग्रीवांस को, किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसे रिड्रेसल कहते हैं। तो टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट यूटीपी और आरटीपी और सम अनस्क्रिप्चर्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। अगर कहीं किसी के साथ गलत हो रहा है, यूटीपी मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, आरटीपी मतलब रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, अगर कहीं पर भी किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए प्रॉपर रिड्रेसल का प्लेस है, मतलब जहां हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं। फिर राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन। इस कंज्यूमर को एडुकेटेड होना भी जरूरी है, इसलिए टीवी पे हम लोग देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कंज्यूमर के लिए एड भी आता है।
प्राइम मिनिस्टर खुद इसका ऐड करते हैं अपने वॉइस में, तो कंज्यूमर एडुकेशन भी जरूरी है। इसके बाद बोल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को ध्यान से समझो, इसी से क्वेश्चन आता है। हम लोगों को बोल रहा है द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इज टू बी प्रोमोटेड और प्रोटेक्टेड। हम लोगों के साथ, कंज्यूमर्स के साथ जो भी हो रहा है ये हम लोगों का प्रोटेक्टेड होता है। कहाँ पर? तीन जगह पर, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। मतलब सेंट्रल काउंसिल है, स्टेट काउंसिल है और डिस्ट्रिक्ट फोरम है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं होता, सेंट्रल काउंसिल, स्टेट काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट फोरम। तो सेंट्रल सीपीसी, सीपीसी मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या है? जो सेंट्रल वाला है, सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इस्टैब्लिश सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टैब्लिश किया है। और इसमें कौन कौन होते हैं, कंसिस्ट ऑफ मतलब इसमें कौन कौन लोग होते हैं? मिनिस्टर इंचार्ज होता है और अदर ऑफिशियल होता है, वो नॉन ऑफिशियल भी हो सकता है। और सेंट्रल काउंसिल तो दो लोग होते हैं इसमें, एक मिनिस्टर इंचार्ज होता है और अदर ऑफिशियल्स होते हैं, नॉन ऑफिशियल्स भी होते हैं। और इसमें मतलब मीटिंग करना पड़ता है, ये लोग को कंपलसरी मीटिंग करना पड़ता है। एक साल में मिनिमम एक बार ये लोगों को मीटिंग करना पड़ेगा। मीटिंग में लोग डिसाइड करते हैं कोई भी चेंजेस, या ठीक से हम लोग का डिपार्टमेंट काम कर रहा है या नहीं। एक बार सभी कोई को मीटिंग करना पड़ेगा मिनिमम 1 टाइम। अगर इससे ज्यादा का रिक्वायरमेंट है वो भी हो सकता है, पर मिनिमम 1 टाइम करना पड़ेगा। द सेंट्रल काउंसिल शैल कंसिस्ट, इसमें कितने मेंबर, जो बोला था अदर ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, वो कितने मेंबर्स हैं? 150 मेंबर्स हैं इसके अंदर। तो याद रहे इसके अंदर 150 मेंबर्स है। टर्म ऑफ काउंसिल शैल बी 3 इयर्स। एक बार जब काउंसिल बन जाता है, मतलब ये 150 मेंबर का एक बार काउंसिल बन गया और इसमें एक मिनिस्टर इंचार्ज है, तो ये वाला टीम कितने टाइम रहेगा? 3 साल तक ये टीम रहेगा। हर 3 साल में ये टीम चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार 150 मेंबर का काउंसिल बन गया तो अब वही ईयर आफ्टर ईयर चलता जाएगा 10 साल 20 साल तक, ऐसा नहीं है। एफिशिएंसी अच्छा रहे इसलिए 3 साल में वो 150 मेंबर को हटा दिया जाता है, नया 150 मेंबर लाया जाता है। उस मिनिस्टर इंचार्ज को हटा दिया जाता है, नया मिनिस्टर इंचार्ज अपॉइंट होता है। उस मिनिस्टर इंचार्ज को अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करता है। तो ये पूरा बात है सेंट्रल का। स्टेट काउंसिल का क्या है? स्टेट में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है उसको डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट उसमें सारा चीज अपॉइंट करता है, सब कुछ देख रेख उसका सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। इसमें जो मिनिस्टर इंचार्ज होते हैं उसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। इसमें भी कुछ अदर ऑफिशियल्स हैं, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी हैं। ठीक है, अदर ऑफिशियल्स एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 10। इसमें 10 से ज्यादा ये ऑफिशियल्स नहीं होने चाहिए। सेंट्रल में 150 मेंबर है और ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है स्टेट में वो 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 से कम भी चलेगा पर 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 10। पर यहाँ पे इस 10 को कौन चूज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही चूज करता है। याद रहे नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर देते हैं, स्टेट वाले लेवल पे लिख देते हैं इस ऑफिशियल मेंबर्स को या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। इसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है। और यहाँ पर मीटिंग साल में कम से कम 2 बार होना चाहिए, सेंट्रल लेवल पे मिनिमम 1 बार, स्टेट लेवल पे मिनिमम 2 बार। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में क्या है? अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में क्या है, तो हम लोग का 3 था। पहला था सेंट्रल, दूसरा था स्टेट, तीसरा था डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का सेक्शन है 8A। इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बोलकर कुछ नहीं होता। तो डिस्ट्रिक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है। तो डिस्ट्रिक्ट में भी जो भी चीज का अपॉइंटमेंट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट करता है। यहाँ पर कौन बनता है? मिनिस्टर इंचार्ज नहीं होता यहाँ पर, यहाँ पर कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता है। ठीक है, ये जो लिखा है हु शैल बी चेयरमैन, मतलब वो चेयरमैन भी बन सकता है, ये सब में लिखा हुआ है। वो बाद में चेयरमैन भी बन सकता है बट प्रेजेंट में वो कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होता है। मिनिस्टर दोनों में होता है, डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होता है। यहाँ पर भी ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं, ये चीज में यहाँ पर डिफरेंस नहीं है।
यहाँ पे उसको कौन अपॉइंट करता है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट दो में अपॉइंट करता है, सेंट्रल में और स्टेट में। स्टेट गवर्नमेंट एक में अपॉइंट करता है, डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है नहीं, तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को देख रेख करना पड़ता है। यहाँ पर भी मिनिमम 2 बार मीटिंग होना चाहिए 1 साल में। तो रिड्रेसल मशीनरी अंडर द एक्ट क्या है, यहाँ पे थ्री टीयर क्वासी ज्यूडिशियल रिड्रेसल मशीनरी एट द, मतलब रिड्रेसल मशीनरी मतलब हम अपना प्रॉब्लम लेकर किसके पास जाएंगे। हम 3 जगह पर अपना प्रॉब्लम लेकर जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। डिपेंड करता है मेरा प्रॉब्लम कितना बड़ा है। हम उस जैसे कि कोर्ट में होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो अगर मेरा छोटा सा प्रॉब्लम है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाते हैं, हम अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं। तो वैसे ही अगर कंज्यूमर को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो सीधे नेशनल लेवल पे नहीं चला जाता है, अपना डिस्ट्रिक्ट में जाता है। पर ये कैसे डिसाइड करेंगे एक कंज्यूमर को कहाँ जाना चाहिए? तो फॉर रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट एंड ग्रीवांसेस नोन एज कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज, इन जो भी ऐसा जगह है इन्हें कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज कहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट फोरम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करता है डिस्ट्रिक्ट फोरम को ईच डिस्ट्रिक्ट में। मतलब सोचो एक स्टेट में 3 डिस्ट्रिक्ट है, तो तीनों डिस्ट्रिक्ट में एक एक डिस्ट्रिक्ट फोरम होगा, और तीनों डिस्ट्रिक्ट फोरम में सब कुछ, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट फोरम को बनाता कौन है, एस्टैब्लिश कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। इट मे बी मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट फोरम इन अ डिस्ट्रिक्ट। ऐसा भी होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, उसको एक डिस्ट्रिक्ट फोरम नहीं संभाल पाएगा, तो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2, 3, 4, 5 भी डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है। तो ये हो सकता है, अगर कोई पूछे क्या एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट फोरम हो सकता है, हाँ हो सकता है। सेक्शन 10 में क्या लिखा है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन कौन लोग होते हैं, अभी हम लोग पीछे पढ़े थे काउंसिल में कौन कौन होता है, यहाँ है फोरम में कौन कौन होता है। काउंसिल और फोरम में डिफरेंस क्या है, काउंसिल रूल्स बनाता है, मीटिंग करता है, देखता है फोरम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, मतलब सारी चीजों को संभालता है काउंसिल। हम अगर कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम है तो वो काउंसिल के पास नहीं जाता है, काउंसिल मीटिंग करता है, प्रॉब्लम निकालता है, वो सब करता है। हम लोग को कोई प्रॉब्लम होता है तो कंज्यूमर फोरम में जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या क्या कौन कौन को लेकर बना है, अ पर्सन हु इज क्लास क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज, अगर कोई पहले से डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका है तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम का प्रेसिडेंट बनता है। मतलब डिस्ट्रिक्ट फोरम का प्रेसिडेंट बनने के लिए पहले से उसको डिस्ट्रिक्ट जज होना होगा, और 2 अदर मेंबर भी होते हैं जिसमें एक को वुमेन होना होगा, एक तो मैन होता ही है, दोनों मैन हो सकता है, पर दोनों सॉरी दोनों वुमेन या दोनों मैन नहीं हो सकता, वन ऑफ हुम शैल बी अ वुमेन, 2 मेंबर में एक आदमी एक औरत होगा। तो इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, 2 मेंबर होता है जिसमें एक मैन होता है एक वुमेन होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, एलिजिबिलिटी मतलब अब कौन बन सकता है मेंबर होने के लिए, मेरा कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मेरा कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए कि किसी को भी हम मेंबर बना सकते हैं, नहीं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, प्रेसिडेंट बनने के लिए मेरे को डिस्ट्रिक्ट जज होना होगा, मेरे को मेंबर बनने के लिए मेंबर शुड बी पर्सन ऑफ एबिलिटी इंटेग्रिटी एंड स्टैंडिंग, डेफिनेटली उसको बोलना आना चाहिए, दूसरों के लिए खड़ा रहना चाहिए, ये सब तो है ही, बट मेजर क्वालिफिकेशन क्या है, मेजर क्वालिफिकेशन इज शुड हैव एक्सपीरियंस रिलेटिंग टू इकोनॉमिक्स, लॉ, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से किसी भी चीज में उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए, जॉब एक्सपीरियंस। दे मस्ट बी ग्रेजुएट एंड ओवर 35 ईयर्स ऑफ एज, वो कम से कम किसी भी फील्ड में ग्रेजुएटेड होना चाहिए और उसका एज 35 ईयर्स से ज्यादा होना चाहिए। एवरी मेंबर शैल बी होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर्स और अप टू, इसका क्या मतलब है, कोई भी सोचो आज मैं ग्रेजुएट भी हूँ, 35, मैं 37 ईयर्स की हूँ तो मैं 35 से ज्यादा भी हूँ, और से मेरे को इकोनॉमिक्स में, लॉ में, कॉमर्स में, अकाउंटेंसी में जॉब एक्सपीरियंस भी है, हम बहुत सारे क्लाइंट्स को हैंडल कर चुके हैं,
तो आई एम एलिजिबल फॉर बिकमिंग डिस्ट्रिक्ट फोरम, पर मेरा एज 57, तो 57 है तो हम कम से कम 5 साल ऑफिस नहीं संभाल सकते। क्यों? क्योंकि नहीं, मेरा एज 63 है, मेरा एज 63 है, तो हम या तो 5 साल ऑफिस संभाल सकते हैं 65 ईयर्स होने तक। मतलब आज अगर मेरा 63 ईयर्स एज है तो मेरा तो 2 साल के बाद ही 65 ईयर्स हो जाएगा, तो हमको 65 ईयर्स में रिटायरमेंट लेना होगा, हम और काम नहीं कर सकते। पर अगर हम 60 ईयर्स के हैं तो हम 5 साल काम कर सकते हैं, मतलब 5 साल काम करने मिलेगा या फिर मेरा 65 ईयर्स हो जाएगा, जो पहले हो जाएगा मेरे को जाना पड़ेगा। तो 65 ईयर्स से ज्यादा का लोग इसमें काम नहीं कर सकता, और एक आदमी को 5 साल से ज्यादा काम करने यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिस्ट्रिक्ट फोरम का। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का क्या है? हाँ, ये हम बोलना चाहते हैं कि नेशनल कमीशन होता है, स्टेट कमीशन होता है, पर डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन नहीं होता है। काउंसिल तीनों का होता है, कमीशन सिर्फ स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन होता है, फोरम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट होता है। तो स्टेट कमीशन कौन बैठाता है? स्टेट गवर्नमेंट ही बैठाता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट को भी स्टेट गवर्नमेंट ही हैंडल करता है और अपना कमीशन को भी स्टेट ही करता है। ये काउंसिल से उल्टा है, काउंसिल में सेंट्रल और स्टेट दोनों को सेंट्रल संभालता है, डिस्ट्रिक्ट को सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट संभालता है। पर कमीशन के केस में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दोनों को सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट संभालता है, नेशनल को अपना सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करता है। तो 16 में लिखा है स्टेट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ, अब यहाँ पे कितने लोग होने चाहिए? यहाँ का जो प्रेसिडेंट होगा उसको हाई कोर्ट का पहले जज रहना होगा, मतलब अगर वो बोलेगा कि हम पहले हाई कोर्ट में जज थे तो ही उसको यहाँ पर प्रेसिडेंट बनने मिलेगा। पर डिस्ट्रिक्ट में पहले से हमको डिस्ट्रिक्ट जज होना होगा तब मेरे को प्रेसिडेंट बनने देगा, पर स्टेट में पहले से हमको हाई कोर्ट का जज रहना होगा तब मेरे को प्रेसिडेंट बनने देगा। नॉट लेस देन 2:1, अब यहाँ पे भी सेम रूल है, सिर्फ 2 मेंबर से ज्यादा, मतलब नॉट लेस देन 2, यहाँ पे 2 से कम नहीं हो सकता, 2 से ज्यादा मेंबर्स हो सकते हैं, उसमें से एक को वोमेन होना होगा। मतलब अगर नॉट लेस देन 2 मतलब 3 मेंबर हो सकते हैं, उस 3 में 2 आदमी हो सकता है पर एक को तो वोमेन ही होना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब यहाँ पे क्या कंडीशन है? पूरा पीछे जैसा सेम डिट्टो, उसको ग्रेजुएट होना होगा, कम से कम 35 ईयर्स उसका एज होना चाहिए, उसको 5 साल तक का ही टर्म मिलेगा, पर यहाँ पे 65 ईयर्स की जगह 67 ईयर्स है। 67 ईयर्स से ज्यादा का लोग यहाँ काम नहीं कर सकता, मेंबर काम नहीं कर सकता। तो बेसिकली सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज सेम। अब आता है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करता है, जो बात हम पहले बोल चुके हैं। इसको सेक्शन 20 डील करता है। इसमें कौन प्रेसिडेंट बन सकता है? इसमें प्रेसिडेंट बनने के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट का जज रहना होगा, मतलब अगर हम पास्ट में सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं हम तो ही यहाँ के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। यहाँ पे 4 आदमी से कम नहीं हो सकता, यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे वो 4 से कम नहीं हो सकते, 4 से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता, और उसमें भी एक कम से कम वुमन होनी होगी, सब आदमी नहीं हो सकता। इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकदम सेम है, सिर्फ उसमें 65 था, स्टेट में 67 था और नेशनल में 70 ईयर्स है। 70 ईयर्स से ज्यादा का लोग इसमें काम नहीं कर सकता। अब आता है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन मतलब हम कहाँ जाकर कंप्लेन करें। अभी हम जो ऊपर पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि उसको कौन इस्टेब्लिश करता है, उसमें जो प्रेसिडेंट होता है उसका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना मेंबर होना चाहिए, कितने साल तक एक आदमी मेंबर रह सकता है। पर अभी तक ये बात तो पढ़े ही नहीं कि हम लोग को कहाँ जाना है। हम लोग जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोगों का प्रॉब्लम अगर 20 लाख तक है, मतलब एक सेलर हम लोग को चीट कर दिया है 20 लाख तक के अमाउंट के लिए,
तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम जाएंगे। याद रहे ये टेरिटोरियल लिमिट क्या है, डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन एंटरटेन कंप्लेंट्स। किसका प्रॉब्लम सुनेगा? आज अगर कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट फोरम है, वो क्या दिल्ली के आदमी का बात सुनेगा? नहीं, तो किसका किसका सुनेगा? इफ एनी ऑफ द ऑपोजिट पार्टी ऑर्डिनरीली रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, हैज अ ब्रांच ऑफिस, कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स ज्यूरिडिक्शन। अगर मेरा जो ऑपोजिट पार्टी है, इफ एनी ऑफ द ऑपोजिट पार्टी, सामने वाले को, मतलब अगर हम कंज्यूमर हैं तो जो सामने वाला पार्टी है मतलब सेलर है, वो इंडियन होना चाहिए, ऑर्डिनरीली रिसाइड्स मतलब रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, फॉरेन का किसी आदमी के अगेंस्ट यहाँ नहीं जा सकते, वो बिजनेस यहीं कर रहा हो या फिर कम से कम उसका ब्रांच यहाँ पे हो। जैसे अगर हम कोलकाता डिस्ट्रिक्ट जाते हैं और हम एक बैंगलोर के ऑफिस का कंप्लेन कर रहे हैं, हम बैंगलोर गए थे, बैंगलोर में हम कुछ खरीदे थे और मेरे साथ कुछ गलत हो गया, और उस कंपनी का कोलकाता में कुछ भी नहीं है, ना कोई ब्रांच ऑफिस है, ना पर्सनली वो यहाँ पे कोई भी तरीके का गेन के लिए काम करता है, मतलब कोलकाता में उसका कुछ भी नहीं है, तो हम उस सेलर के अगेंस्ट यहाँ पे कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो उसी जो ऑनलाइन भी अगर यहाँ पे सामान बेचता है तो भी वो यहाँ पे यहाँ का सेलर हो गया, पर वो कोलकाता में उस सेलर का कोई लेना देना नहीं है, कभी नहीं कोलकाता से वो कुछ करता है, तो हम यहाँ का डिस्ट्रिक्ट फोरम नहीं जा सकते। हमको बैंगलोर, जहाँ का सेलर का सेल होता है गुड्स, वहां वाला डिस्ट्रिक्ट फोरम जाना होगा। फिर बोल रहा है स्टेट कमीशन, ये रूल था डिस्ट्रिक्ट का। स्टेट को तीन भाग में बांटा गया है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, रिविजनरी ज्यूरिसडिक्शन। अगर मेरा प्रॉब्लम 20 लाख से 1 करोड़ तक का है तो हम स्टेट कमीशन में जाते हैं, पहला बात। दूसरा बात, ये वाला जो ज्यूरिसडिक्शन है, सोचो इसमें तीन ऑफिस बना हुआ है, हम कंप्लेन लिखाने किसमें जाएंगे? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, इसमें 20 लाख से 1 करोड़ का प्रॉब्लम है तो सॉल्व करेगा। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन में क्या है, सोचो हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में मेरा जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, हम उससे खुश नहीं है, मेरे को बोल रहा है कि आपका 50 लाख का सामान का ऐसे हुआ है, पर आपको सिर्फ 20 लाख ही हम लोग कंपनी से दिलवाएंगे और रुपया आपको नहीं मिलेगा। हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, हमको लगता है मेरा 50 लाख का सामान का नुकसान हुआ है और ये मेरे को सिर्फ 30 लाख दिला रहा है, तो हम अपील करेंगे। अपील करेंगे मतलब दोबारा वो अपना प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा करके बड़ा जगह बोलेंगे, वो है एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। इफ अ पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, अगर हम डिस्ट्रिक्ट फोरम के जैसे अगर मेरे को एक फ्रेश कंप्लेन करना है, मेरे को एक फ्रेश कंप्लेन करना है, अभी हम पहली बार कंप्लेन करने जा रहे हैं, तो हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में जाएंगे, पर अगर हम डिस्ट्रिक्ट फोरम गए थे, वहां मेरे को अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिला, तो हमको कंप्लेन करने जाना है कि हम सेटिस्फाई नहीं थे, तो हम एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन जाएंगे। और रिविजनरी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, द इश्यूज व्हिच आर पेंडिंग बिफोर, मेरा बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा है कंप्लेन, तो हम रिविजनरी में जाएंगे।